if it is not considered recoverable, a provision against the same has been made. Book balance should be appropriately classified for the purpose of disclosure or in the balance. If the debit balance represents a loan, then थोड़ी देर के लिए मजबूर गए थे, प्यास लगी थी तो पानी पी लिया, शायद ये आपको वीडियो 15-20 मिनट की मिले। हाँ जी, हो सकता है क्योंकि मैं इसको कट करके साथ दूँ, पूरी की पूरी ना मिले तो इस साथ दूँ, पूरी की पूरी ना मिले तो इस केस में क्या है कि इन सच केसेस इट शुड बी अशर्टेन दैट द बुक बैलेंस, ये अशर्टेन किया जाए कि जो बुक बैलेंस है ये सेलेक्ट हो जाए भाई तुम। इन सच केसेस इट शुड बी अशर्टेन दैट द बुक बैलेंस इज गुड एंड रिकवरेबल, एंड इफ इट इज नॉट कंसीडर्ड रिकवरेबल अ प्रोविजन अगेंस्ट द सेम हैज बीन मेड। अगर रिकवरेबल नहीं है तो उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बनाना होगा। द बुक बैलेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस। नाउ मैं आपको चीजों को लिंक करके दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली हम। व्हाट पॉइंट्स शैल एन ऑडिटर कीप इन माइंड व्हाइल ऑडिटिंग एन अकाउंट ऑफ द बॉट लेजर हैविंग अ डेबिट बैलेंस। बॉट लेजर का डेबिट बैलेंस है तो क्या ऑडिटर के माइंड में रहना चाहिए? तो पहली बात तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, गुड्स परचेज क्रेडिट रिटर्न है तो डेबिट, अलाउंसेज डिस्काउंट रिसीवेबल एडवांस पेमेंट, इन सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड रहना चाहिए। इट शुड बी अशर्टेन दैट द बुक बैलेंस इज गुड एंड रिकवरेबल, जो गुड और रिकवरेबल हैं। इफ इट इज नॉट कंसिडर्ड रिकवरेबल अ प्रोविजन, अगर रिकवरेबल नहीं है तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाना चाहिए। इफ द डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट अ लोन टू अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एदर जॉइंटली और सिवियरली विथ अनदर पर्सन, और इट इज द डेबिट ड्यू बाई अ फर्म और अ प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर इज अ पार्टनर और अ मेंबर। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार अच्छे से सलीके से। इफ द डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट अ लोन टू डायरेक्टर, अगर डेबिट बैलेंस डायरेक्टर को लोन रिप्रेजेंट करता है, बॉर्ड अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, अगर ये डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ऑफिसर ऑफ द कंपनी एदर ज्वाइंटली और सिवियरली विथ अनदर पर्सन, और इट इज अ डेबिट ड्यू बाई अ फर्म और अ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और मेंबर, अगर डायरेक्टर से रिलेटेड है तो क्या करना होगा? द सेम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द बैलेंस, सिंपल सी बात, क्योंकि ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आ जाएगा। आई गेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, ASCT मैक्सिमम अमाउंट ड्यू फॉर द डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एंड द डेट ड्यू फ्रॉम कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट शुड बी डिस्क्लोज along with the new company at any time during the year, and the debt due from companies under the same management should be disclosed along with the names of the companies of the member. So related party transaction will disclose the manager or directors. That is a related party. देखिए question बहुत अच्छा है। What points shall an auditor keep in mind while auditing about लेजर हैविंग अ डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है बॉट लेजर का, उसका क्या किया जाए? तो पहली बात तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। फिर बोला एन अकाउंट इन द बॉट लेजर मे बी इन डेबिट, जी हाँ डेबिट बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द बैलेंस मे रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न के अकाउंट पे हमारे पास पैसा रिसीव होने वाला ऐसा भी दिख सकता है। रिबेट अलाउड बाय द सप्लायर और एडवांस पेड अगेंस्ट एनी ऑर्डर, या फिर हमने एडवांस पे किया है,
So advance दी गई. Also that subsequently goods have been received against the advance or will be received. ठीक है. For such an advance may represent a disguised loan to accommodate a business associate. The book balance may represent the cost of the goods purchased wrongly debited to the account of the supplier. The book balance also may represent, ये भी show कर सकता है कि cost of the goods जो purchase हुआ है wrongly debited in the account of the supplier. हाँ हो सकता है. Instead of the purchase account में debit होने के बजाय उसके account में चला गया, तो वो चीज़ें होंगी आपको मैं. ठीक है. और ये अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहा तो उसको डिस्क्लोज करना हो. अगर डायरेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर किसी का मेंबर है कंपनी, उस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन है तो उससे आ जाएगा. लेजर बॉट लेजर एंड सेल्स लेजर, लेजर कीपर एंड फ्रॉड. क्वेश्चन समझिए, हमें वो एग्जांपल देने फ्रॉड के दैट कैन बी डन बाय लेजर कीपर, बॉट लेजर में और सेल्स लेजर. लेजर कीपर क्या क्या कर सकता है, लेजर कीपर एंड फ्रॉड. वाह, एग्जांपल ऑफ फ्रॉड दैट कैन बी डन बाय लेजर कीपर इन बॉट लेजर, क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्टिशियस इनवॉइसेस. गलत इनवॉइसेस से सप्लायर का अकाउंट को क्रेडिट कर देना. ठीक है. शोइंग दैट द सर्टेन सप्लायर्स दैट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म वेयर एज इन द फैक्ट नो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द डुप्लीकेट इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर वेयर एज इन द फैक्ट नो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द डुप्लीकेट इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर. The original amount whereof has already been adjusted to credit the supplier in the broad ledger. The original amount whereof has been already adjusted to credit the supplier in the broad ledger. And subsequently, misappropriating the payment made against the credit in the supplier's account. अब जो supplier account को ऑलरेडी पेमेंट हो गया था, फिर से गलत बुकिंग करके, देखिए उन्होंने गलत परचेज की बुकिंग कर ली या डुप्लीकेट बुकिंग कर ली, ये मतलब एक फिक्टिशियस बुकिंग हो सकती है, एक डुप्लीकेट क्रेडिट कर दिया उन्होंने, लेकिन गुड्स रिसीव मतलब हमारे यहाँ गुड्स आए ही नहीं, तो हमारे लिए लायबिलिटी लेकिन खड़ी होगी. तो इस लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दिया और वो पेमेंट को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर लिया. सप्रेसिंग अ क्रेडिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न और एन अलाउंस, मिसअप्रोप्रिएटिंग एन अमाउंट इक्विवेलेंट देयर टू आउट ऑफ द पेमेंट मेड टू हिम. सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न, रिटर्न के रेस्पेक्ट में, और ऑन अलाउंसेज एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग एन अमाउंट इक्विवेलेंट देयर टू आउट ऑफ द पेमेंट मेड टू हिम. फॉर इफ अ क्रेडिट नोट इशूड बाई अ सप्लायर एदर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हिम और ऑन अलाउंसेज ग्रांटेड बाई हिम इज नॉट डेबिटेड टू द अकाउंट. बोला जो गुड्स रिटर्न पे उन्होंने अलाउंसेज ग्रांटेड बाई हिम is not debited in his account, the balance in his account in the bought laser would be larger than the amount actually due to him. पैसे जो उन्होंने भेजे थे वो अभी तक आए नहीं. The laser keeper thus will be able to misappropriate the excess amount standing in the supplier's credit. उस पैसे को वो यूज कर लेंगे. इस चीज को तसल्ली से समझते हैं. फिर से ये सेलेक्ट हो जाए. सप्रेसिंग क्रेडिट नोट इश्यूड बाय द सप्लायर, क्रेडिट नोट सप्लायर ने इश्यू किया. ठीक है, किसके लिए, रिटर्न के लिए. इश्यूड बाय द सप्लायर, क्रेडिट नोट सप्लायर ने इश्यू किया.
ठीक है, किसके लिए? रिटर्न के लिए। जब हमने गुड्स रिटर्न किया तो उसने एक ट्रेड नोट इशू किया। एन अलाउंसेज एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑन अमाउंट इक्विवेलेंट देयर टू आउट ऑफ द पेमेंट मेड टू हिम। अब जब उसने क्रेडिट नोट इशू किया, फॉर इफ क्रेडिट नोट इशू बाय द सप्लायर आइदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हिम और फॉर एन अलाउंसेज ग्रांटेड बाय हिम, या फिर गुड्स रिटर्न हुआ उसके लिए या फिर कोई अलाउंसेज ग्रांट हुआ, तो इज नॉट डेबिटेड टू हिज अकाउंट। लेकिन उसके अकाउंट में वो डेबिट ही नहीं हुआ। बैलेंस इन हिज अकाउंट इन द बॉट लेजर वुड बी लार्जर देन द अमाउंट एक्चुअली ड्यू टू हिम। अब देखिए हुआ क्या। ठीक है, या फिर मैंने उसको ये तो गुड्स रिटर्न और एन अलाउंसेस सप्रेसिंग द क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, सप्लायर से इशू हुआ रिटर्न और एन अलाउंसेस, तो अब इस केस में क्या होगा? अब उनको हमको कितना पेमेंट करना होगा? जब लेस पेमेंट करना होगा, लेकिन हमने उसको बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं किया। फिर हमने जब पेमेंट करना है तो ज़्यादा पेमेंट करना होगा, तो ज़्यादा का क्या होगा? अपना भला तो सबका भला। क्रेडिटिंग एन अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर नॉट इन हिज अकाउंट बट अंडर अ फिक्टिशियस नेम। पैसा लिया किसी, मतलब क्रेडिट करना था अमाउंट सप्लायर का और उसने किसी और का अमाउंट क्रेडिट कर दिया। मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट, ये तो फेमस वाला केस है। एग्जांपल ऑफ फ्रॉड दैट कैन बी इन सेल्स लेजर, हमने अभी बात की बॉट लेजर की, अब सेल्स लेजर की बात करते हैं। ये सेलेक्ट हो जाएगा। Now, what it is saying? Teaming and leading, ये सबको पता है, famous case, किसी का पैसा लिया किसी ने adjust कर दिया। Adjusting an unauthorized credit of fictitious rebate, हाँ fictitious rebate बना के या फिर उनको allowances दे के payment receive कर लिया। उनसे पैसा पूरा आया, सपोज को किसी से पैसा आने वाला था, मेरे को मैंने एक गलत डिस्काउंट दिया, उनसे पैसा पूरा आया, सपोज को किसी से पैसा आने वाला था, मेरे को मैंने एक गलत डिस्काउंट दिखा दिया, रिबेट दिखा दिया, झूठ मूठ का, और पैसा उनसे पूरा ले लिया। ठीक है, राइटिंग ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द राइट ऑफ कर लिया और उनसे सेटलमेंट करके पैसा ले लिया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राइट, गिव रीजन वेरियस, गिव वेरियस फैक्टर्स व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, आप ऊपर का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही बहुत अच्छे से किया हुआ है अपना, कि प्रॉफिट क्यों बढ़ गया, क्या क्या रीज़न है बढ़ने के, मैनिपुलेशन की क्या क्या रीज़न है, उसमें ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन सब आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिटर प्लेस ऑन द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे डिग्री ऑफ रिलायंस कितनी होगी, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू एस 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऐसे के साथ साथ आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। आंसर, extent of reliance on analytical procedure SA 520, the reliability of data is influenced by its source and nature and is dependent on the circumstances, nature, source, circumstances, koi bhi data ki reliability teen cheezon pe depend karti hai, nature, source, circumstances, sorry nature dependent, sorry nature, source and circumstances, I was right on the first time, under which it is obtained. Accordingly, following are the relevant when determining whether data is reliable for the purpose of designing substantive analytical procedures. Accordingly, following are the relevant when determining whether data is reliable for the purpose of designing substantive analytical procedures.
इन चीज़ों का ध्यान आप दे सकते हैं, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन, नेचर एंड रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन में बी मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंट सोर्स. बिल्कुल. Comparability, for example, broad industry data may not be supplemented to a comparable to that the entity that produces a sales specialized product. और मतलब कोई specialized data अगर कोई provide करता है और एक broad data provide करता है तो specialized वाले पे मतलब वो comparable हो. ठीक है. नेचर ऑफ रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ठीक है. नेचर ऑफ रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. नेचर ऑफ रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, वेदर बजट्स हैव बीन एस्टैब्लिशड एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर देन द अ गोल टू बी अचीव. नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल बोला है, वेदर बजट्स हैव एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर देन अ गोल टू बी अचीव. नेचर क्या है, रेलेवेंस कैसा है, मतलब अगर मेरे को इस चीज का डेटा चाहिए तो वही है कि कुछ और. कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डिजाइन इंश्योर द कंप्लीटनेस, सिक्योरिटी एंड वैलिडिटी. डेटा कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, वैलिड वैलिडिटी हो उसकी. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट. ये बोला सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलेवेंस, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन. इन चार चीजों का ध्यान दे के हम एक्सटेंट ऑफ रिलायंस की बात कर सकते हैं. नाउ द ऑडिटर मे कंसिडर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल if any over the entities preparation of financial inform I'm sorry preparation of information used by the auditor in performing substantive analytical procedures. In response to assess risk when such controls are effective, the auditor generally has greater confidence in reliability of the information. Agar internal control is strong hai, there will be more reliance. And therefore, in the result of analytical procedure, the operating effectiveness of the control over non-financial information. Non-financial information के ऊपर क्या control है, ये हमेशा हम test कर लेते हैं test of control के साथ. For example, in establishing control over the processing of the sales invoice, an entity may include control over the recording of unit sales. देखो, कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है सेल्स इनवॉइसेस पे, तो एक एंटिटी कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ द यूनिट ऑफ द सेल भी ध्यान दे सकती है. इन रिकॉर्डिंग ऑफ द यूनिट सेल, कितने यूनिट्स बिके हैं, इन कंजंक्शन विद द टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देखी जा सकती है. Of control over processing of the sales invoice. Alternately, the auditor may consider whether the information was subject to audit testing. Correlation with the test of operating effectiveness. Operating effectiveness bhi dekhi ja sakti hai. Of control over processing of the sales invoice. Alternately, the auditor may consider whether the information was subject to audit testing. Ab wo baat kya hai ki hum crest yahi se nikal liye the. और यहाँ पे बात कर रहे थे कि कितने रिलायंस प्लेस करें. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल वॉचिंग ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. ये हमने पहले भी कर लिया है, आप ऊपर देख लीजिए कहीं पर. Traveling expense. How will you vouch remuneration paid to the director, profit or loss arising on sale of plots, sale of real estate, purchase with invoices, wages paid to the seasonal labor, refund of general insurance paid. ये बढ़िया है, इससे कुछ नहीं किया हुआ आपका.
रेमुनेशन पेड टू डायरेक्टर्स, इसमें तो बहुत भर भर के सेक्शन आएंगे। एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर्स चेक कर लो, एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अटेंडेंस, कंप्लायंस विद द सेक्शन 197-198 शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वर अप्रोप्रिएट 97-90 शेड्यूल 5। इसमें रेमुनेशन की बात की जाती है कि डायरेक्टर्स का मैक्सिमम रेमुनेशन कितना होगा लिस्टेड कंपनी में। चेक कंप्यूटेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड द कमीशन पेएबल टू द डायरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंप्यूटेशन। चेक करेंगे नेट प्रॉफिट एंड कमीशन पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट अंडर 198 डिटेल्स ऑफ द कमीशन पेएबल एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी इशू इज स्टेटेड बाय वे ऑफ नोट। 198 एक स्पेशल कैलकुलेशन बताता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर द डायरेक्टर्स, वो देखेंगे। फिर 197 बताता है कितना परसेंटेज आप दे सकते हैं मैक्सिमम ऑफ द टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट, कब अपॉइंट हो और कब तक के लिए। 196 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट होगा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। मंथली और एट ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मंथली पेमेंट होगा या फिर स्पेसिफाइड परसेंटेज से पेमेंट होगा, पार्टली बाय वन एंड पार्टली बाय अदर, ये भी हो सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 197C ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन है 197, 198, 196, तो तीन सेक्शन कंप्लाई कर लो, शेड्यूल 3 भी लगा देना, सॉरी शेड्यूल 5। अगर 196 की बात करें तो अपॉइंटमेंट के लिए बात करते हो, सेक्शंस में एक बार लिख देता हूँ, इसे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कोशिश करता हूँ लिखने के लिए लेकिन ये जो चल नहीं रहा ना, एक बार क्लोज करके ओपन करूँ। वेट, देख भाई कहाँ गया। अच्छा इसको हमने हटा दिया था क्विक एक्सेस से, बहुत कुछ रिसर्च कर रहे थे कि ऐसे करने से शायद हो जाए, वो भी नहीं हुआ यार। फिर से ओपन हो रहा है, जस्ट वेट, बस ट्रक का हॉर्न सुन लो। मैंने अपनी खिड़की खोल दी कि थोड़ा रात है तो शांति रहेगी, पसीना बहुत होता है। चलो देखते हैं, कोशिश। यस, और डर के नौका कभी पार नहीं होती। सेक्शंस क्या क्या हैं इसमें, 196, 1976, 197, 198, शेड्यूल 5, 196 अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स के लिए, 197-6 पेमेंट के लिए, पेमेंट टर्म्स, 197 ये परसेंटेज कितना पेमेंट करना है बेसिकली, नेट प्रॉफिट आई गेस इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन के लिए, शेड्यूल 5 कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर के लिए। ठीक है, तो रेमुनरेशन पेड हो गया आपके डायरेक्टर्स को। अब चलिए प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन अ सेल ऑफ प्लॉट्स हेल्ड बाय द, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन अ सेल ऑफ प्लॉट्स हेल्ड बाय द रियल एस्टेट, प्रॉफिट एंड लॉस जो अराइज हो रहा है रियल एस्टेट डीलर के लिए, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ प्लॉट्स हेल्ड बाय रियल एस्टेट डीलर, इस केस में क्या करेंगे आइए देखते हैं। बड़ी तसल्ली से हम लोग पढ़ रहे हैं, चिल्लाएगा। प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ प्लॉट्स हेल्ड बाय रियल एस्टेट डीलर, द लैंड होल्डिंग इन द केस ऑफ द रियल एस्टेट डीलर विल बी करंट एसेट नॉट अ फिक्स्ड एसेट। व्हाट अ पॉइंट मैन गोल्डन स्टेटमेंट, उसके लिए तो बिजनेस है, फिक्स एसेट नहीं है,
The same should therefore be valued at cost or NRV, whichever is lower, not the historical cost. Profit or valued at cost or NRV, whichever is lower, not the historical cost. Profit or loss arising on a sale of plot, land, real estate dealer should be verified as follows. Each property account should be examined. Her property ke account examined hoga. Beginning of the development with the special reference to the nature of the charge as to find out the only. Kahan se examined hoga? Shuru se. From the beginning. Bhai sahab, ye ab bhi kaam nahi kar raha hai. Kya karu main bolo? करना है, लिमिटेशन है ना समय की, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ कर देता है इसके साथ। अपना टेक्निकल नॉलेज बहुत है बस, उस पे कोई वो नहीं। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, हमें हर प्रॉपर्टी के कॉस्टिंग लेजर को देखना होगा कि बिगनिंग से कि उसको कितना कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए और कितना एलोकेट होगा। The basis of distribution of common charges between different plots of the land developed during the period, the basis of allocation of the cost individual property comprising a particular price of the land should be scrutinized. अब वो जमीन है, उसमें बहुत सारे plots हैं, plots में बहुत सारे flat हैं, तो हर flat का अलग-अलग cost होगा। If the land price list are available, these should be compared with the actual selling price obtained and should be verified the contract entered into with the sale have been duly sanctioned by the appropriate authority. ठीक है, बोला इफ लैंड लिस्ट प्राइस लिस्ट आर अवेलेबल, अगर आपके पास लैंड का प्राइस लिस्ट अवेलेबल है तो दिस शुड बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इनको कंपेयर किया जाएगा सेलिंग प्राइस से। And it should be verified that the contracts entered into with respect of the sale have been sanctioned. अब जो sale हुआ है, वो properly sanctioned हो, ठीक है? Where part of the sale prices is intended to reimburse taxes, suitable provision should be maintained for this purpose. Where part of the sale price is included in the reimburse टैक्सेस, कुछ पार्ट टैक्सेस के लिए रखा गया हो कि वो बेच के टैक्सेस देंगे। द प्राइसेस ऑब्टेन्ड फॉर वेरियस प्लॉट्स लैंड सोल्ड शुड बी चेक्ड विद द प्लान मैप ऑफ द एंटायर ट्रैक एंड एनी डिस्क्रिपेंसीज और अनरीजनेबल प्राइसेस वायलेशन शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। द सेल प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ द लैंड सोल्ड शुड बी चेक्ड विद द प्लान मैप ऑफ द एंटायर ट्रैक and any discrepancies or unreasonable prices violation should be inquired into. The sale price of the different plots of the land should be verified on a reference to certificate for the sale deeds executed. Sale deeds sabka check karenge basically. Out of the sale procedures, provision should be made for the expenditure incurred on the improvement of the land. Out of the sale proceeds may say provisions should be made for the expenditure incurred on improvement of the land. Improvement of the lands के लिए provisions बने रहने चाहिए। पहली बात तो costing check कर लिया हमने। Basis of distribution of common charges, basis of distribution of common charges. खिड़की बंद कर दूँ क्या यार, आवाज़ आ रहा है। मैं सोचा कि रात हो गया है, नहीं आएगा, फिर भी आवाज़ आ रहा है, क्या कर सकते। इफ द लैंड प्राइस लिस्ट आर अवेलेबल, दिस शुड बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। सेल फिर सैंक्शन को ध्यान देखेंगे, टैक्सेस, सेल डीड्स और इम्प्रूवमेंट, तो हो गया अपना रियल इस्टेट वाला काम। बहुत वैरायटी ऑफ द वर्क हम लोग करते हैं उससे एज एन ऑडिटर। परचेज विथ इनवॉइस, ये अपना किया हुआ है, हाँ भाई किया हुआ है, हम बोले कि नहीं किया, लेकिन मेरे को याद है वो किया हुआ पूरा अच्छे से।
वेजेस पे टू द सीजनल लेवल। अच्छा ये कैसे देखा जाएगा वेजेस पे टू द सीजनल लेवल? Wages paid to the seasonal level. Ascertain and evaluate the internal control system for recruitment and uses of the seasonal level. Ascertain, examine, ensure, check, confirm, see, reconcile. तो कितने examine हैं? एक examine है, एक check है, नहीं दो check है, ensure कर लो, confirm कर लो. Ascertain and evaluate the internal control. बिल्कुल सही बात है. Internal control को ascertain कर लो, evaluate कर लो. इंटरनल कंट्रोल का तो देखिए पॉइंट तो हर जगह रहना चाहिए. जब भी हम तो इंटरनल कंट्रोल को अशर्टेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल ठीक है. एग्जामिन दैट दीज लेबर्स आर हायर्ड ऑन अ प्रॉपर अथॉरिटी. प्रॉपर अथॉरिटी से हायर किए गए इंटरनल कंट्रोल किसके लिए था? रिक्रूटमेंट के लिए. इंश्योर द अटेंडेंस इज प्रॉपरली चेक्ड. हाँ भैया इसी पे तो सारा खेल है. प्रॉपरली चेक्ड ठीक. चेक दैट द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द वर्क डन बाय द लेबर हैज बीन गिवन बाय द प्रॉपर पर्सन. वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट. Payment to the laborers have been acknowledged. Acknowledged okay. See that the time and job records. गाड़ी जा रही है ट्रक ट्रेलर बस सब रात में तो जाता है बस. See the time and job record to ensure that the laborers have been paid for the time worked. See the time and job record. देखो time and job record to ensure the labor have been paid for the time. See the treatment of normal idle time. हमें ये देखना है time and job record. किस समय पे आए थे कब गए और अगर idle time है तो उसका क्या payment है और over time है तो क्या payment है. ठीक है आई होप आपको पता है आइडियल टाइम ओवर टाइम कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने. सीजनल लेबर के नंबर को पेरोल एज पर द पर्सनल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ लेबर्स टू होम द वेजेस हैव बीन पेड टू इंश्योर दैट देर आर नो घोस्ट वर्कर्स. नो घोस्ट वर्कर्स ये रजिस्टर से पता चल जाएगा आपको. जो पेरोल है जो अपॉइंटमेंट जिनका जिनका हुआ है वहाँ से आप पता कर लें. तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए. इंटरनल कंट्रोल बनाइए एक प्रॉपर अथॉरिटी रखिए. अटेंडेंस मेंटेन करिए. वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रॉपर आर्मी से लीजिए. कंप्यूटेशन ऑफ फेजेस ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ फेजेस सही से हो. टाइम आइडियल टाइम का कैलकुलेशन और कोई भी बोगस एम्प्लॉय नहीं. Next, refund of the general insurance premium paid. Now, next, refund of the general insurance premium paid. जो मैंने refund मंगाया है, general insurance premium मैंने paid किया था, उसका refund आया मुझे. ऐसा भी होता है. देखो, ascertain, examine, verify, scrutinize, check. अब अशर्टेन क्या था? रीजन फॉर द रिफंड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस पॉलिसी और कवर नोट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम. अमाउंट ऑफ द प्रीमियम क्या है इसका पता करेंगे हम पॉलिसी से. वेरीफाई एडवाइस ऑफ द रिफंड रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. व्हेन रिफंड इज एडमिटेड द इंश्योरेंस कंपनी सेंड द एडवाइस. जब भी रिफंड इश्यू तो एक एडवाइस होता है. दिस विल बी एविडेंस एज अ कवरिंग लेटर टू द चेक for the refund. Sometimes a check is issued after receipt is sent in advance to the end client. Check entries in the bank of balance if necessary the counter file of the payment slip can also be verified.
Or like the refund of the insurance company may be because of the earlier provisional payment of the premium, or maybe policy might have been cancelled or retarded. Unique cases हैं ऐसे कुछ कि भैया मैंने payment किया और पैसा वापस कर दिया. Reason हम पहले पता करें. Examine insurance policy or cover note or find out the amount of the payment. Premium amount देखेंगे. Excess तो नहीं हो गया. हाँ refund आ सकता है क्योंकि आपका excess हो सकता है या फिर आपका पॉलिसी कैंसिल हो गया. स्क्रूटनाइज करें करेस्पॉन्डिंग द कंपनी एंड द क्लाइंट को. चेक द एंट्रीज इन द बैंक बुक बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी उसको बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं कि पैसा कट गया और रेगुलेटर ऐसे भेज दिया आपको. हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे. वी आर द ऑडिटर. एज एन ऑडिटर व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स टू बी बॉर्न इन माइंड व्हाइल एग्जामिनिंग अ वर्क. हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे. वी आर द ऑडिटर. As an auditor, what are the essential points to be borne in mind while examining a voucher? ये तो किया हुआ ना vouching. What is vouching? But ये अच्छा point है. फिर से करने का मन कर दिया कर देते हैं. Examining that the date of the voucher falls within the counting period, that the voucher is made in the client's name, voucher is duly authorized. तीन चीजें date हो गया क्या client का नाम हो गया voucher duly authorized. The voucher comprises all relevant document which could be expected to have. सारा supporting document लगाने चाहिए. The voucher is complete in all respect. That the account is in which the amount of the voucher is adjusted is one that would clearly disclose the character of the receipt of the payment paid posted in the inclusion of the final account. After the examination is over, each voucher should be either embraced with the rubber so that it may not be presented again in support of the another entry. अब इसको अच्छे से क्या करो रबर स्टैंप लगा दो और इनिशिएट कर दो कि भैया अब इसके बाद इसको और किसी भी एंट्री के साथ नहीं देखा जाएगा. तो इसमें क्या हमने देखा, डेट देख लो, क्लाइंट का नाम देख लो, ऑथराइजेशन देख लो, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए. जो अकाउंट का है उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. इंडिकेट एक्सपेंसेस विच आर एसेंशियल. ट्रक को टाटा बैबे बोल दीजिए क्योंकि मैं पसीने में अभी भी हूँ और मैं खिड़की बंद कर दूंगा तो बहुत दिन जाऊँ. थोड़ा एडजस्ट कर लो. दिन में हम तो एडजस्ट करते ही उतनी भी आवाज़ नहीं है कि खराब हो जाएगी. मैं मेंटेन करूँगा उतना. आर ऑल्सो रिगार्डेड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर. क्या क्लास रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के बारे में बात हो रही है. इंडिकेट एक्सपेंसेस विच आर एसेंशियली ऑफ अ रिवेन्यू नेचर. इफ इनकॉल्ड फॉर क्रिएटिंग एन एसेट वो है रिवेन्यू नेचर के, लेकिन क्या क्रिएट करने के एसेट क्रिएट करने के लिए अगर होते हैं. आर ऑल्सो रिगार्डेड एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर वो उसको भी रिगार्ड किया जाएगा कैपिटल नेचर. तो एक्सपेंसिज विच आर एसेंशियली रिवेन्यू नेचर इफ इनकॉर्ड फॉर क्रिएटिंग एन एसेट और एडिंग टू इट्स वैल्यू ऑफ अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी आर ऑल्सो रिगार्डेड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल. एग्जाम्पल मटेरियल एंड वेजेस लीगल. तो ये बताना है क्या 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 आइटम्स है. तो कोई भी आइटम हो सकता है भैया. अगर खर्चा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होगा तो हो ही सकता है. रिवेन्यू नेचर के आइटम भी कैपिटल नेचर के हो सकते हैं. मटेरियल एंड वेजेस हाँ, लीगल एक्सपेंसेस हाँ, फ्रेट हाँ. फिर MLW. तो ये सारी चीजें अगर मटेरियल का खर्चा आप होता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन एक्सपेंडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड इरेक्शन ऑफ द मशीनरी. अगर मटेरियल एंड वेजेस का खर्चा मटेरियल एंड वेजेस का खर्चा बिल्डिंग बनाने में होता है तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा. व्हेन इनकॉर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ द लीगल लैंड एंड बिल्डिंग. लीगल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में लीगल वर्क लगा है तो. व्हेन इनकॉर्ड इन रिस्पेक्ट द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी उसको लाने में. रिपेयर मेजर रिपेयर पार्ट जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इंटरेस्ट पेड फॉर द क्वालिफिकेशन पीरियड फॉर ईयर 16 बिफोर द एसेट इज कंस्ट्रक्टेड. हाँ मैं कोई लोन लेके एसेट बना रहा था तो उस बनाने के वक्त तक उसका जो इंटरेस्ट वो कैपिटलाइज होगा. वेन एवर देयर फोर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर बना रहा था तो उस बनाने के वक्त तक उसका जो इंटरेस्ट वो कैपिटलाइज होगा. वेन एवर देयर फोर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर
ostensibly of a revenue nature is capitalized. It is duty of the auditor not to only examine the precise particulars of the expenditure but also the consideration on which it has been capitalized. हम देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, तो ऑडिटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हुआ तो क्यों कैपिटलाइज हुआ, उसकी पूरी ए टू जेड डिटेल उसके पास होनी चाहिए. कास्टिंग एंड टोटलिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ ऑडिट फॉर एन ऑडिटर. जी बिल्कुल, देखिए शुरू ही वहीं से होता है जो भी लेजर देखे जाए. कास्टिंग और टोटलिंग, ये मेरा ओपिनियन, लेट्स सी. कास्टिंग और टोटलिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एन ऑडिटर एज समटाइम्स द टोटल ऑफ द वेज बिल पेबल आर इंटर्ड. हो सकता है ज़्यादा पेमेंट कर दिया गया झूठ मूठ का. सच अ फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड ओनली इफ द टोटल ऑफ द वेज बिल आर चेक. अब वेजेस का तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता ना, वो तो बस एक लिस्ट बना के दे देंगे ऐसे ऐसे पेमेंट करना, तो उसका गलत टोटलिंग मार के पेमेंट ज़्यादा दिखा के अपने ले लेंगे. सिमिलरली अ कैशियर में मिस अप्रोप्रिएट रिसीव सिमिलरली अ कैशियर मे मिस अप्रोप्रिएट रिसीट फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल बाई अंडर टोटलिंग द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक. सिमिलरली क्या हो सकता है, कैशियर अपना मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है रिसीट फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल. बिल्कुल. At times, shortages in cash have been also covered up by the over-totaling. Shortages bhi cut kiya ja sakta. On these, consider where total of the cash book or ledger are kya ink bhi hai, sab kuch hota hai, chalo bhi mil jata hai. Sometimes a fraud is committed in the following manner. Undercasting the receipt side of the cash book, undercast kar di, overcasting the payment side, payment side dikha di, income kam dikha di, fictitious entry mark ke cash column show that the amounts have been deposited in the account when in fact no deposit has been made, jhoot mood ka deposit dikha di, apne paisa rakh li, posting an amount of cash into the credit of a party subsequently withdrawing the amount. Cashier hua, उसको क्रेडिट सेल दिखाया और पैसा अपने पास रख दिया. रॉन्ग टोटल ऑफ द बैलेंसेस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड इन द कैश बुक. रॉन्ग टोटल और बैलेंसेस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड इन द कैश बुक इन और इन द लेजर. गलत टोटल करके बैलेंसेस को कैश बुक और उसमें ले लिया. तो कास्टिंग टोटलिंग में एरर हो सकता है बिल को ये लेजर. गलत टोटल करके बैलेंसेस को कैश बुक और उसमें ले लिया. तो कास्टिंग टोटलिंग में एरर हो सकता है बिल को. ये पांच चीज़ें देखेंगे कि अंडर ओवर, अंडर क्या दिखाएंगे रिसीट को, ओवर दिखाएंगे पेमेंट को, फिक्टिशियस एंट्री मार लेंगे, पोस्टिंग कर लेंगे कैश सेल में, कैश सेल का क्रेडिट सेल में कैश रख लेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. व्हाट प्रोसीजर्स एन ऑडिटर शुड अडॉप्ट टू टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ कैश एंड बैंक. Verification of cash at bank. While testing the authenticity of the cash at bank, the following area may be considered by the auditor. Apart from comparing the entries in the cash book with those in the passbook, the auditor should obtain a certificate from the bank. Bank se certificate lege. Examining the bank reconciliation statements of check issued by the entity but not presented for the payment and the checks deposited by for collection by the entity and not credited in the bank account have been duly डेबिटेड क्रेडिटेड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड. बी आर एस के जो आइटम्स थे वो सब्सिक्वेंटली पेमेंट हो गए. पे स्पेशल आइटम्स होगा रिकन्सिलिएशन आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत दिनों से आउटस्टैंडिंग है तो उस पर अपना स्पेशल अटेंशन दीजिए. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम. एग्जामिन करिए लेवरिंग सर्टिफिकेट. वॉट वी नीड टू एग्जामिन इज examine relevant certificate in respect of the fixed deposit. Fixed deposit, तो उससे relevant certificate
को देखिए, ऑडिटर शुड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी दैट इवन दो द बैलेंस इज एन अपेरेंटली इनअप्रोप्रिएट अकाउंट मे हैव रिमेंड स्ट्रेंजेंट ट्रांजेक्शन मे हैव टेक प्लेस इन दैट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर. वो ऐसे रहा, मतलब ऐसे खाली पड़ा रहा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए जो उसको लगा कि यार ये क्या जीरो गरीब ट्रांजेक्शन, तो उसको ऊपर भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए. इन रिलेशन टू बैलेंस डिपॉजिट स्पेसिफिक चार्ज ऑन देम और दोज हेल्ड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ द ऑडिटर शुड एग्जामिन द सुटेबल डिस्क्लोजर आर मेड इन द फाइनेंशियल. अगर इन रिलेशन टू द बैलेंस एंड डिपॉजिट विद स्पेसिफिक चार्ज ऑन देम और दोज इन रिलेशन टू बैलेंस डिपॉजिट विद स्पेसिफिक चार्ज ऑन देम, कोई चार्ज है उस पर डिपॉजिट किया गया और दोज हेल्ड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ द ऑडिटर शुड एग्जामिन, उसको एग्जामिन करें. रेमिटेंस शोन एज बीइंग इन द ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जामिन विद रेफरेंस टू देयर क्रेडिट इन द बैंक इन द सब्सिक्वेंट पीरियड. कोई रेमिटेंस रिसीव करने वाला है उसको अगर बुक्स में दिखाया गया टू देयर क्रेडिट पीरियड भी देखा जाए. Suitable adjustment are made in respect of the checks have been become sale at the end of the year. Suitable adjustment बना हुआ है कि नहीं, इतना point काफी है I guess. Whether the auditor finds that the number of bank accounts maintained by the entity is disproportionately large in number of size, the auditor should exercise greater care in satisfying himself about the genuineness of the banking transaction analysis. अगर बहुत ज़्यादा bank account खोल के रखा हुआ तो हमें banking transaction का control रखना होगा. Whether material amounts are held in the bank account which are blocked, example foreign banks with exchange control restriction or any banks which are under moratorium liquidation have a great income tax seized karke rakha, the auditor should examine whether the relevant facts have been suitably disclosed in the financial statement. अब कोई भी आपका बैलेंस जब सीज करके रखा हुआ है तो आप वो बोलिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पढ़ा लेना है. BRS को एग्जामिन करना है, बहुत दिन से BRS में जो पढ़ा है उसको अच्छे से अटेंशन देना है. ठीक है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट फिक्स डिपॉजिट का देख लो पॉसिबिलिटी, दो अपरेंटली इन ऑपरेटिव अकाउंट विच में हैव रिमेन, मतलब कुछ ऐसा अजीब गरीब ट्रांजेक्शन ऐसे अकाउंट में जो हमेशा शांति की अवस्था में था. इन रिलेशन टू द बैलेंस डिपॉजिट विद स्पेसिफिक चार्ज ऑन देम, इन रिलेशन टू द बैलेंस डिपॉजिट विद स्पेसिफिक चार्ज ऑन देम और दोज हेल्ड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ. तो यही है, और ये वाला अगर बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है जैसे फॉरेन एक्सचेंज का, उसी का काम कर सकते हो, या फिर इनकम टैक्स ने अकाउंट सीज कर दिया तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं. ठीक है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स है तो ऑडिटर चेक करेगा कि ऐसा क्यों है. एक काम करते हैं, कहाँ थे अपने 45 क्वेश्चन नंबर 45 पर थे. जनता लिमिटेड हैज मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 7.8 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 समाज सेवा पार्टी. एक कंट्रीब्यूशन किया 7.8 लाख का टीचिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द रूरल एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कंपनी रिसाइड. इट इज एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज मोस्टली फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कंट्री. द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज 100 लाख. The average net profit of the company during the 3 immediately preceding financial year was 100 lakhs. अब ये data दिया. The restriction regarding political contribution, section 182 बोलता है, the Companies Act deals with the prohibition and restriction regarding the political contribution. According to the section, a government company or any other company which have been existence for less than 3 financial years cannot contribute any अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पोलिटिकल बॉडी. वो 182 बोलता है कि अगर 3 साल से कम से एग्जिस्टेंस में हो तो तुम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते. इन अदर केसेज एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन इन एनी फाइनेंशियल शुड नॉट एक्सीड 7.1. इन अदर केसेज एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन इन एनी फाइनेंशियल शुड नॉट एक्सीड 7.5 ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग. तो इनका 100 लाख था, उसका अगर 7.5 निकाला जाएगा तो 7.5 ही आएगा.
समाज सेवा पार्टी के उन्होंने 7.8 दिया बट इनका 7.5 वाला. तो एज द कंपनी कन्वर्टेड 7.8 लाख देयर इज अ वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 182 ऑफ द कंपनी सो द चिल्ड्रन ऑफ इट्स वर्कर्स आर बेनिफिटेड देयरफॉर द ऑडिटर वुड हैव टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट. भैया बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑडिटर क्वालिफाई करेगा रिपोर्ट क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट का वायोलेशन किया. और ऑडिट जो होती है कंपनीज एक्ट में ही स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो. हाउ विल यू वाउच एंड वेरीफाई रिपेयर ऑफ द एसेट सिंस द लाइन डी ब्रेकिंग रिपेयर्स एंड रिन्यूअल इज स्लेंडर इट मे समटाइम्स बी पॉसिबल वेयर इज हाउएवर इज नॉट पॉसिबल इट शुड नॉट बी इंश्योर्ड. क्या लिखा हुआ है तो लैंग्वेज थोड़ा अजीब नहीं लग रहा. सिंस द डी मार्क creating repairs for renewals is slender. Usually it is not simple to matter the determined amount of the expenditure, if any, included as charge for the repair, which should be considered as that incurred for renewal of an asset and added to the cost. It is not a simple matter to determine the amount of expenditure. बात सही है, ये simple matter नहीं कि amount of एक्सपेंडिचर इंकर्ड कितना हुआ रिपेयर में. इफ एनी इंक्लूडेड एज चार्ज फॉर द रिपेयर विच हैज बीन कंसिडर्ड एज दैट इंकर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ एन एसेट एंड एडेड टू इट्स कॉस्ट. हाँ रिन्यूअल के लिए है तो कॉस्ट में ऐड हो सकता है और एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी एसेट है तो उसका रिपेयर का खर्चा रिपेयर में जाए और कैपिटलाइजेशन तभी होगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी तक. ठीक है. It may be sometime possible determining this on consideration of the nature of the repairs carried out. This type of nature. The proportion for the charge which had the effect of the increasing the values of the asset or enhancing the capacity life should be treated as a capital expenditure. कभी कभी होता है कि proportion revenue होता है कुछ capital होते हैं. इससे कुछ हुआ कि लाइफ बढ़ गई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इससे उसका रिपेयर हुआ. वेयर हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम एन ओपिनियन एक्यूरेटली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एज रिगार्डेड द नेचर ऑफ द रिपेयर्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंजीनियर अंडर हुज सुपरविजन द रिपेयर हैज बीन कैरिड कंफर्मिंग द क्लेरिफिकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सेप्टेड. इंजीनियर से सर्टिफिकेट ले लो सबसे बढ़िया काम, कोई टेंशन का बात ही नहीं. इट शुड बी इंश्योर दैट द रिपेयर्स टू सर्टेन assets like building machinery have been separate assets like building machinery have been separately disclosed as per the requirement of the schedule of the companies act. Schedule 3 के हिसाब से current assets में जो भी खर्च हुआ उसको separately disclose कर दीजिए. ठीक है. This is what the रिपेयर ऑफ द एसेट इज बेसिकली. इसमें कैपिटल और रिवेन्यू नेचर का समझला रहता है और आइडेंटिफिकेशन होता है. इंजीनियर को पकड़ ली कैपिटल रिवेन्यू को नेचर जो है सब आइडेंटिफाई हो जाएगा. पॉइंट आउट एनी 8 एरियाज वेयर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज एज एन ऑडिट प्रोसीजर. बैंक बैलेंसेज पहला हो गया. बैंक बैलेंस 3-4 तो एकदम कॉमन है, बार्ट पूछा है वो इम्पोर्टेंट है. पहला हो गया बैंक बैलेंस. ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल सबको पता है. इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ये नया है. प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, दो चीज़ थर्ड पार्टी के पास है, एक इन्वेंट्री और एक प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ बट अभी डिलीवरी नहीं आया है. लोन्स फ्रॉम डेडलन, लेंडर्स से लोन लिया हुआ है तो भी. अकाउंट्स पेबल बैलेंसेज, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी. तो एक बार बोलेंगे मेरे साथ, पहले बात बैंक स्टेटमेंट सॉरी बैंक बैलेंस कंफर्मेशन, अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंसेस, इन्वेंट्री अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी का टाइटल लीड और इन्वेस्टमेंट जो थर्ड पार्टी के पास है, उसके बाद लोन्स फ्रॉम लेंडर, अकाउंट्स पेबल बैलेंसेज, अकाउंट पेबल बैलेंसेज मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर डेटर, बैंक, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, प्रॉपर्टी डील्स थर्ड पार्टी के बाद है, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ बट अभी डिलीवर नहीं हुआ, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन. ठीक है. Now, write a short note on the following. Remuneration paid to directors in case of the public limited company. Remuneration paid हुआ 197,198. देखते क्या. Remuneration paid to director के ऊपर short note. The following point must be considered regarding the director's remuneration in case of the public company. Examine
The entitlement. The directors are not automatically entitled to remuneration. It is paid either according to the terms of the article of association or in accordance with the resolution of the general meeting. तो हम दोनों चेक किए थे अभी ऊपर अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन है. एग्जामिंग अदरेंस ऑफ द लीगल प्रोविजन द ऑडिटर शुड एग्जामिन अदरेंस ऑफ रिलेवेंस प्रोविजंस एंड एक्ट. सेक्शन विच डील्स विद द मैनर ऑफ द पेमेंट ठीक है 197. सेक्शन विच डील्स विद द पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस. सेक्शन विच हैज प्रिस्क्राइब द ओवरऑल लिमिट ऑफ द मैनेजर ठीक है. शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज दैट हैज लेट डाउन द कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर द कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड कम प्लीज हैविंग नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल. उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि जिसके पास कोई प्रॉफिट नहीं है इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर कंपनीज हैविंग नेगेटिव प्रॉफिट तो कैसे कैसे देना है तो वो वहाँ से एग्जामिन करना होगा. प्रोविजन टू सेक्शन विच प्रोवाइज फॉर इंक्रीज इन रेमुनेशन विच अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल वन. प्रोविजन टू सेक्शन विच प्रोवाइड इंक्रीज इन रेमुनेशन विथ रेस्पेक्ट. हाँ जी इंक्रीज हो सकता है रेजोल्यूशन पास करा के डबल करा सकते हैं. पेमेंट हमने एसेट एक्वायर किया ठीक है तो पेमेंट ऑफ एन एसेट मस्ट बी ड्यूली सपोर्टेड बाय रिसीट फॉर अ अमाउंट पेड. द परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी ड्यूली सपोर्टेड बाय द रिसीट ऑफ द अमाउंट पेड. रिसीट होना चाहिए उसके पास. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो इंस्पेक्ट टाइटल डीड्स. द टाइटल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी पासेस ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन. इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू सी द प्रॉपर्टी हैज बीन रजिस्टर्ड. प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे ही वो होता है तो इसीलिए ये जरूरी है कि टाइटल डीड देखा जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी का. ये खोल के नहीं रहा ठीक है. प्रॉपर्टी हैज बीन रजिस्टर्ड. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग In case of immovable property requiring पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट. एसेट अक्वायर किया तो उसका जब पेमेंट करते हैं द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर रिगार्डिंग पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट. क्या क्या पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए. पहला बात परचेज वेट करिएगा. परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी ड्यूली सपोर्टेड बाय द रिसीट ऑफ द अमाउंट पेड. उसका एक रिसीट होना चाहिए या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए. इन केस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो इंस्पेक्ट द टाइटल डीड. टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पासेस ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन. जब रजिस्ट्रेशन होता है तभी टाइटल. एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर सी दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन रजिस्टर्ड इन द परचेजर्स नेम
उसके नाम से हो रेलेवेंट रेगुलेशन एंड ऑल्सो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर सेल्स प्रॉपर्टी हैज बीन वेरीफाइड बाय द सॉलिसिटर और एन एडवोकेट, वो एग्रीमेंट को एडवोकेट से वेरीफाई किया गया हो। इन केस ऑफ द इमोबाइल प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनर्स, फॉर एग्जांपल कार और शिप, इट मस्ट बी वेरीफाइड दैट सच ए रजिस्ट्रेशन हैव बीन मेड इन फेवर ऑफ अ परचेजर। इन केस ऑफ द मोबाइल प्रॉपर्टी requiring registration of ownership, example a car or ship, it must be verified that such a registration has been made in the favor of purchaser ke favor mein banna chahiye. It must also be verified the assets were purchased only by the person who had authority to do so. Purchaser ke favor mein banna chahiye. It must also be verified the assets were purchased only by the person who had authority to do so. The funds, the only provides that only the board of directors can invest the funds of the company. ठीक है, और कोई नहीं कर सकता. It is the benefit of an item of expenditure has been acquired by the purchaser along with the asset. If the benefit of an item of expense has been acquired by the purchaser along with the asset, its value should be debited in the separate account. For example, when a motor car has been purchased on which certain taxes and insurance charges were paid by the seller for a period that had not expired, करके वहाँ से credit लेंगे. In case of an asset constructed or manufactured by the client himself, where a building has been constructed or a plant or machinery manufactured by concern with its labor and material, it must be verified that the cost of the labor and other direct expenses incurred has been charged as a cost of the asset. मतलब जो भी cost है, self constructed है तो पूरी cost उसमें कैपिटलाइज होगी. इट मस्ट ऑल्सो बी सीन नेदर एक्सपेंसिस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैव बीन कैपिटलाइज नॉर द कॉस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द टू एसेट्स चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. अब रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चे को आप उसमें नहीं लिखा है तो बेटर. सो दिस वॉज द टोटल क्वेश्चन नंबर 48. नथिंग इज लेफ्ट. चलिए, डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो.